महेंद्रा पार्क थाना इलाके में बीते दिनों दो गुटों के बीच हुए झगड़े को लेकर विशेष समुदाय व हिंदू समुदाय के बीच का झगड़ा बताया गया और उस वीडियो को लगातार सोशल मीडिया पर वायरल किया गया ताकि इलाके में तनावपूर्ण माहौल बन जाए, ताकि इलाके में हिंदू मुसलमान हो जाए। लेकिन मामले की जानकारी जैसे ही दिल्ली पुलिस को लगी, वैसे ही दिल्ली पुलिस की टीम ने सभी को आइडेंटिफाइड किया और उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया। आपको बता दें, इस मामले को लेकर अब नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के DCP ने आदेश जारी किया है कि जिन लोगों ने इस वीडियो को गलत तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल किया है, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और साइबर टीम भी इस मामले को लेकर सक्रिय है और तमाम सोशल मीडिया को खंगाल रही है ताकि इस बात का खुलासा हो सके कि कौन कौन लोग इलाके में हिंसा फैलाने की तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस अब उन लोगों को भी नहीं बख्शेगी जो इस वीडियो को गलत तरीके से सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं और इलाके में अशांति फैलाने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं पूरे मामले की जानकारी नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के DCP ने खुद प्रेस रिलीज कर दी। 8:15 बजे हमें एक PCR कॉल मिलती है जिसमें ये बताया जाता है कि मंदिर परिसर के पास कुछ पथराव हो रहा है। इस पर तुरंत महिंद्रा पार्क की टीम मौके पर पहुँचती है और वहाँ पर वेरिफिकेशन करती है, जिसमें ये पता लगता है कि दो ग्रुप्स जो कि सेम रिलीजन को बिलोंग करते हैं, इनफैक्ट सेम कम्युनिटी के हैं और जिसमें ज़्यादातर सभी जुवेनाइल्स हैं, वो आपस में झगड़ा कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने पत्थरबाजी करी। पत्थरबाजी करते करते कुछ उसमें से एक ग्रुप है जो मंदिर की परिसर के अंदर आ जाता है और वहाँ से पथराव करता है। इसके बाद तुरंत जब मौके पर पुलिस पहुँचती है, इसमें तफ्तीश शुरू करते हैं, जिसमें ये पता लगता है कि इसमें जो दो ग्रुप्स हैं इनका पहले भी आपस में झगड़ा रहा है। इसमें से तकरीबन तीन ऐसे जुवेनाइल्स हैं जो CCL है, जिनके अगेंस्ट पहले भी FIR हुई है और इसी रंजिश में इन्होंने कल आपस में झगड़ा किया और झगड़े में पथराव किया। इसके बाद हमें 4-5 कॉल और मिलती हैं जिसमें हर एक कॉल पे PCR और हमारी लोकल पुलिस वहाँ मौके पे पहुँचती है और इसी से रिलेटेड क्योंकि सभी कॉल्स थी तो उन सबको हमने वेरीफाई किया और जो मुनासिब कार्रवाई है वो उसमें की। साथ ही साथ हमें ये पता लगता है कि इस झगड़े में दो बच्चे हैं, जुवेनाइल्स हैं, जो इंजर्ड हुए हैं तो उनको तुरंत अस्पताल लेके गए हैं और उनका इलाज कराया है, जो कि अब डिस्चार्ज हो गए हैं, जिनकी हमने अब स्टेटमेंट ले ली है। इस पूरे संज्ञान में हमने लीगल एक्शन ले लिया है और जो इस उपद्रव में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो जुवेनाइल हैं, उन सभी के ऊपर हम लीगल एक्शन ले रहे हैं। इसके साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इस इवेंट को कुछ लोगों ने जो है कम्युनल जो हमारी हारमोनी है उसको डिस्टर्ब करने का काम किया है। इसमें कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम के तहत, खासकर ट्विटर के तहत, इस पूरे एपिसोड को एक गलत नज़रिए से प्रोजेक्ट किया और इसमें ये दिखाया गया कि जिहादियों ने हमला कर दिया है, मंदिर पे हमला हो रहा है। इस तरह की कोई बात नहीं है, ये सभी बातें फेक हैं, ये बेबुनियाद हैं, इनमें कोई भी तथ्य नहीं है। इसको ये पता लग रहा है कि जानबूझकर इस पूरे जो प्रकरण है, जो ये झगड़े का मामला था, जो जुवेनाइल्स का था, इसको एक मंदिर से जोड़ के इसको अलग तरह से लेके गए हैं। कोइंसिडेंटली क्योंकि ये पथराव मंदिर के पास था, इसलिए डेलिबरेटली कुछ ऐसी फुटेजेस ली गई हैं सेलेक्ट करके और उसका वर्जन चेंज करके सोशल मीडिया पे डाला गया है ताकि इससे कम्युनल हारमोनी जो एरिया की है वो डिस्टर्ब हो। हमारी साइबर टीम जिले की इस पे काम कर रही है, पूरी रात हमने इस पे काम किया और हमने ये आइडेंटिफाई भी किया है जिसमें 3-4 ऐसे ट्विटर हैंडल्स हैं जिससे ये इन्फॉर्मेशन जानबूझ के गलत तरीके से लीक आउट करी गई है और इसका जो मैसेज है वो गलत दिया गया है ताकि हमारी जो कम्युनल हारमी है वो डिस्टर्ब हो। इन सभी पे भी हम कार्रवाई करेंगे, इन सबको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है और साइबर के तहत जो इसमें मुनासिब कार्रवाई।